क्या मालती देवी को सबक सिखा पाएगी अनुपमा? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि मालती देवी पर गुस्सा जो है अनुपमा का फूटने वाला है, क्योंकि मालती देवी अब ऐसी हरकतें करेगी जिसकी वजह से अनुपमा की रातों की नींद जाने वाली है। आप देख सकते हैं कैसे अनुपमा जो है पाखी को सुला तो रही है, लेकिन उसे बार बार यही टेंशन आ रही है, बार बार उसे ऐसे सपने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अनुपमा का कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि उससे दूर हो जाएगा। अब अनुपमा इन बातों को लेकर परेशान है, जहां वो मालती देवी की क्लास लगाने वाली है। साथ ही बात करें काव्या की, तो आप देख सकते हैं काव्या जो है घर छोड़ने का डिसीजन लेती है, लेकिन वनराज उसे रोक देता है, क्योंकि वनराज का अब ये कहना है कि बाप बाबूजी सबके सब उनके बच्चे की वजह से बहुत खुश हैं, ऐसे में वो अपने माँ बाप की खुशियाँ नहीं छीन सकता है। वही बात करें पाखी की, तो पाखी को भी आप देख सकते हैं वो आजकल अनुपमा पर बहुत प्यार लुटा रही है। वही साथ ही छोटी अनु को लेकर धमाका होगा, क्योंकि मालती देवी जो है छोटी अनु का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होगा सीरियल के आने वाले ट्रैक में। वेल सबसे पहले आज आपको यही देखने को मिलेगा किस तरह से पाखी परेशान होती है। वही अनुपमा जो है पाखी को अपने पास बुलाती है और पाखी से पूछती है कि कहीं तुझे कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन पाखी अपने और अधिक के बीच की प्रॉब्लम्स जो है अनुपमा से छुपा लेती है और कहती है हाँ माँ सब कुछ ठीक है, बस इतने दिन से इतना ड्रामा चल रहा है इसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। फिर अब अनुपमा जो है पाखी को अपनी गोद में लिटा लेती है और उसे सुलाने लगती है। ये चीज देख कर अनुज जो है वो भी खुश हो जाता है। वहीं पर आप देख सकते हैं कैसे भाई पाखी जो है वो सोई हुई होती है, अनुपमा भी उसकी आँख लग जाती है। तभी अनुपमा को एक सपना आता है, अनुपमा देखती है वो भागते भागते शाह हाउस गई है, जहाँ तोशु और समर दोनों उसे मिले हैं, जहाँ समर तोशु को लेकर वो परेशान हो गई है, समर को गले से लगा रही है, तोशु से पूछ रही है कि पाखी कहाँ है, क्योंकि पाखी का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस बात से अनुपमा परेशान हो जाती है। जैसे सपने में से वो बाहर आती है, तो फिर अनुज उसे संभालता है, वो उसे कहता है तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब थोड़े ही दिन की बात है, वहीं आप देख सकते हैं कैसे पाखी जो है अनुपमा का खूब सपोर्ट कर रही है। छोटी अनु अनुपमा के पास आती है और कहती है पता नहीं सबको घर में क्या हुआ है, सब मुझसे बात ही नहीं कर रहे। इस पर अनुपमा कहती है बेटा घर की सिचुएशन ऐसी है कि सबके सब परेशान है, इसलिए तुम्हारी गुड मॉर्निंग किसी ने नहीं ली होगी। ये सब ड्रामा चल रहा है, तभी आपने प्रोमो तो देखा होगा, प्रोमो धमाकेदार था। मालती देवी छोटी अनु को पट्टी पढ़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ये चीजें अनुपमा ने देख ली, जिसके बाद अनुपमा ने मालती देवी का हाथ पकड़ा और सीधा जाकर नटराज जी की मूर्ति के पास चली गई। और फिर नटराज की मूर्ति के आगे अनुपमा ने हाथ जोड़े कि आगे कोई बदतमीजी हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि इनडायरेक्टली उसने मालती देवी को चैलेंज कर दिया है। अब मालती देवी का जो घमंड था वो कहीं ना कहीं चूर तो जरूर होने वाला है, क्योंकि इस बार अनुपमा एक माँ बनकर अपनी ममता के साथ लड़ेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा इस गुरु और माँ की लड़ाई में आगे क्या क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।